अब तक हमने कारकों के बारे में सीखा। गुणक क्या है? गुणक, जिन्हें हम अंग्रेजी में मल्टीपल्स कहते हैं, एक और महत्वपूर्ण संकल्पना है। अब यदि हम उदाहरण के लिए अंक 2 लेते हैं, जब हम 2 को एक बार रखते हैं तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 2 है। जब हम 2 को दूसरी बार रखते हैं तो हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, हमें 4 प्राप्त होते हैं। जब हम इन्हें तीसरी बार लगाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होते हैं। अगर इस तरीके से जारी रखें, प्राप्त होने वाली संख्या बढ़ती चली जाती है। इन संख्याओं को 2 का गुणक कहा जाता है। ये 2 के गुणक है। यही हमने गुणन में सीखा है, है ना? 2 को एक बार रखते हैं तो 2 होते हैं, 2 को 3 जगह देते हैं तो 2 को 3 से गुणा किया जाता है, हमें 6 मिलते हैं। इसीलिए अंक 2 के विभिन्न उत्पादों को गुणक कहा जाता है। आपको यहाँ देखना होगा, किसी भी संख्या की गुणक हमेशा दी गई संख्या की तुलना में अधिक होती है या बढ़ते क्रम में होती है, और वे बिना अंत के जारी रखते हैं, मतलब कि वे असीम रूप से गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें, 3 के गुणक। यहाँ 3 आप समूह में भी रख सकते हैं, जैसे 3 के 2 समूह, 3 के 3 समूह, 3 के 4 समूह। पहले में 1, 2, 3 है, दूसरे के पास 4, 5, 6, तीसरे समूह में 7, 8, 9, चौथा समूह हमें कुल 12 देता है। इसीलिए 3 के गुणन है 3, 6, 9, 12, और क्या ये यहाँ समाप्त होता है? नहीं, ये असीम रूप से जारी है। 12, फिर 15, हमने टेबल सीखे हैं, है ना? यह पहाड़े की तरह ही जारी है। हम इसे और कैसे दिखा सकते हैं? बच्चों ने गुणन विधि को गुणन चरण में सीखा होगा, इसीलिए इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें कई गुना लिखना होगा। हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15 और इसी तरह अनंत को दिखाने के लिए। यह इसे लिखने की विधि है। पाठ्य पुस्तकों में भी इसी तरह लिखा जाता है। सवालों में आपको 5 के 3 गुणकों को लिखने के लिए कहा जा सकता है, फिर आपको 5 के 3 गुणकों को बताना होगा। आइए हम देखें, संख्या माला से इसे कैसे दिखाया जा सकता है। क्या हम 5 के गुणकों को देखें? अगर मैं इस बिंदु पर शुरू करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कितने अभी पूरी तरह है? 5 और 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हमारे पास यहाँ भी 5 है, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30। हमने शुरू किया था इस बिंदु से, इसलिए हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 है। हालांकि संख्या रेखा यहाँ समाप्त होती है, गुणक जारी रहते हैं। इस विधि में गुणकों का प्रतिनिधित्व भी किया जा सकता है। हमने कारकों और गुणकों के बारे में सीखा। भविष्य में उच्च वर्गों में गणित सीखने के लिए, प्राइम नंबर जैसे विषयों के लिए या LCM और HCF जैसे अन्य विषयों के लिए कारकों की संकल्पना की अच्छी समझ होना और सीखना बहुत महत्वपूर्ण है ना?
कारकों की संकल्पना को सीखे बिना एलसीएम और एचसीएफ पाठों को समझना बिल्कुल संभव नहीं। इसी तरह अंश संख्याओं के योग और घटाव के लिए कारकों में एक मजबूत आधार होना जरूरी है।